हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी सच दैट पी ए पी बी, ये सब आपको दिया है, एंड एंगल ए पी भी दिया है और एंगल सी डी पी दिया है, देन एंगल पी पी। देखो यहाँ पे सिमिलर अपने को प्रूफ करना है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 2.5 है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये हो गया 50 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा कि जैसे ये 6 है, अब आप रेशियो लो 6/5, इसका रेशियो मैंने लिया तो 6/5 ये आपका, और आपने लिया 3/2.5, ये आपने दो रेशियो ले लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेशियो बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो गया, 2.5 टू, तो वही चीज़ मिल गई। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब मैंने क्या बोला, जो साइड लेते हैं उसका अपोजिट एंगल, मतलब ये इसको प्रोपोर्शनल है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल बराबर ये एंगल मिल गया, ये 50 मिल गया। अब इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अपने को निकालना है एंगल पी बी ए, पी बी ए, तो ये 50 + 30 = 80, और 180 से माइनस कर दो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, तो 180 - 80 आपका आ गया 100 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बहुत सिंपल है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।